समण दोह क्या होता है? समण दोह समझे आप, दरअसल ये समण दोह एक उसी का रूप है जो बुद्ध ने, जब नियम से आदमी भटकता था और सही काम नहीं करता था संघ में, तो उसको वो कई तरह के दोष लगाते थे। ऐसे दोष होते थे जो थोड़े बहुत दूर भी हो जाते थे, और ऐसे भी दोष होते थे जिनका दंड परमानेंट होता था, जिनको पराजित नहीं किया जाता, वो अपराजित होते थे कि वो हमेशा रहेंगे। मैं विनय के नियम में बताता हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई साथी या मैं खुद या कोई भी या बहुत सारे साथी मिलके अगर वी द पीपल के कंसेप्ट के अगेंस्ट में जाते हैं, उनके नियमों को नहीं मानते हैं, इंडिविजुअल रूप से काम करते हैं और उससे वी द पीपल को नुकसान होता है, तो उनका और उनके परिवार को ये पूरा वी द पीपल घोषित करेगा कि ये समण दोही हैं। समण का मतलब है, क्योंकि बुद्ध के समय में दो शब्द हुआ करते थे, समणा और बमणा, बमणा जो बाहर के लोग और समणा जो भारत के अपने लोग थे। तो हम बाहर वालों की तो बात नहीं करते, उनका सब्जेक्ट तो अलग है, इसलिए हम समणा की बात करते हैं। तो यहाँ के अपने लोगों को जिसने दोही किया है, द्रोह किया है, दोहन किया है, यानी कि उनको दोहा है, उनके साथ में एट्रोसिटीज़ की है या उनका शोषण किया है, ऐसा व्यक्ति को हम समण दोही कहेंगे। समण दोही का मतलब है कि समणों का दोहन करने वाला, और उसके परिवार को समण दोही परिवार घोषित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है, अपने परिवार के लिए चोरी करता है, तो उसका दोष उसके परिवार को जाना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को मानसिक रूप से डर रहे कि अगर वो संघ में, क्योंकि संघ को तोड़ना, संघ को बिखेरना, संघ को बेचना, संघ को खराब करना, वी द पीपल का नुकसान करना, ये ऐसा दोष है कि इसका क्षमा नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोगों का नुकसान होता है, एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता। अगर कोई संघ का नुकसान होता है तो संघ में जितने लोग हैं और जो आने वाले लोग हैं, उन सब का नुकसान होता है, इसलिए उसको समण दोही कहा जाएगा। और जिसको समण दोही घोषित किया जाएगा, उसको फिर दोबारा कभी संघ में नहीं लिया जाएगा, वी द पीपल में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि फिर वो हमारे काम का है नहीं। इसलिए सभी जितने भी काम करने वाले लोग हैं, इस समण दोह से बचें, समण दोही ना बचें, क्योंकि ये ऐसा कलंक है, ये ऐसा पाप है कि जिसका आप निराकरण नहीं कर सकते। संघ को, वी द पीपल को घात करने वाला, प्रतिघात करने वाला, उसको तोड़ने वाला, उसको भंजक करने वाला, उसको भंग करने वाला व्यक्ति अक्षम्य होता है, उसका क्षमा नहीं है, पूरे के पूरे पुराने नियम में भी और आज के अंदर भी। इसलिए समण दोष किसी को ना लगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं कि सभी काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। कोई व्यक्ति अगर काम करने की पोजीशन में नहीं है तो छोड़ सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और जब वो काम करने की पोजीशन में आए तब कर सकता है। किसी को कोई मजबूरी आती है तो वो अपनी मजबूरी बता सकता है, मगर समण दोही ना बने, क्योंकि समण दोही बनने से ना केवल उसका नुकसान होगा, उसके बच्चों का, उसके परिवार का और बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। धन्यवाद।